दोस्तों आज है बारात का दिन और आज फिर से मैं पीछे रह गई सबको तैयार करने में। सब लगभग हो गए रेडी, हंस रहे मुझे देखकर। और यहाँ देखो पूरी गिंज बिंज हो रही है, पूरे कमरे में बारात बैठ गई है, दूल्हा बैठ गया, हम लोग अभी तैयार नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से तो साड़ी बैठा रहे हैं यहाँ, बार बार उतार रहे चढ़ा रहे, बैरो तो उधर है। दोस्तों हम लोग सबसे आगे बैठ गए हैं यहाँ पे चाचा जी लोग के साथ, और भैया अभी उधर है, मतलब जो दूल्हे हैं वो अभी मंदिर में जा रखे हैं। पहले बाल देखने कैसे हो गए हैं, बारात बस निकल रही है। दोस्तों हम लोग बारात से आगे थे जल्दी से, क्योंकि उधर बारिश हो गई थी बहुत तेज से और फिर मौसम भी खराब हो रहा था। तो मम्मी लोगों ने बोला तुम घर चलो, मतलब चाचा लोग सब गाड़ी में आ रहे थे और बस में फिर मेरी तबीयत भी खराब होती थी, इस वजह से मैं रुकी नहीं वहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत काम था, अभी काम चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से बारात निकल गई है, कभी भी पहुँचती होगी थोड़ी देर में। मेहमानों के लिए यहाँ पे सब्जी बन रही है, अभी सब्जी वब्जी काटी है सारी, यहाँ पर बनेगी रोटी वगैरह, अभी रोटी के लिए आग लगा जला दी है। तैयारियों पे लगे हैं सब, इधर उधर कुछ ना कुछ सब कर ही रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है शादी वाले घर में, ढंग से ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा और काम भी है ही, मतलब तो अभी और चीजें भी करनी है, वो सब देखते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। Yeah.
हमारे थोड़ा थोड़ा गई मैं फिर हम लोग बैठे हैं नीचे खाना खाने के लिए और ये मेरे को बोल रही है, ये लड़की ये जो पीछे बैठी है कि ना चप्पल उतारो बोल रसोई हमारे नीचे वैसा हो रहा था ना गंदा, तो मैंने उतारी नहीं थी तो तब बोल रही है वो। बाकी अभी सब लोग नीचे बैठ के खा रहे खाना। ये देखो जिन्होंने जूते पहने उनको भी जूते उतारने के लिए बोला जा रहा है, रसोईया जी डांट लगाएंगे नहीं तो। मम्मी कल लगड़ो वहां पे ठीक है, शांति से खेलिए। इन औरतों की गप्पे कभी पूरी नहीं होती है, देखो कचड़ी लगाए बैठी है। कहाँ गई वो चाची? महंगी चाची का गया। अच्छा चाची पिछाड़ बैठी। अली भाई तुम्हारी गप्पे नहीं होनी पूरी है। आज की महफिल भी ख़त्म हो गई है, रिसेप्शन पार्टी भी ख़त्म हो गई है, डांस कट करके घुटने चिल गए पर जब तक डीजे बजता रहता है तब तक पैर भी थिरकते रहते हैं।